नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान किशोर की अचानक मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने को लेकर हंगामा कर दिया। परिजनों का कहना था कि इंजेक्शन लगाने के करीब 30 मिनट बाद बालक की मौत हो गई। परिजनों का कहना था कि इंजेक्शन लगाने के करीब 30 मिनट बाद बालक की मौत हो गई। बालक की अचानक मौत से परिजन आक्रोशित हो गए। उन्होंने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। परिजन स्ट्रेचर पर रखे शव को लेकर अस्पताल से बाहर चौराहे पर मुख्य सड़क पर आ गए। सूचना पर आसपास के थानों से बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। परिजन आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर अड़े रहे। रात लगभग 12 बजे तक हंगामा चलता रहा। सिविल सर्जन डॉक्टर अतुल बिडवे ने बताया कि 15 वर्षीय बालक को बुधवार शाम करीब 6 बजे परिजनों ने भर्ती करवाया था। उसे दर्द और अन्य कुछ समस्या बताई जा रही थी। डॉक्टर ने सीटी स्कैन और अन्य जांच करवाई थी, सब ठीक था। अचानक मौत हुई है, इसमें डॉक्टरों की कोई लापरवाही नहीं है। परिजन हंगामा कर रहे, मैं उनसे मिलकर चर्चा करूंगा। शव का पैनल से पीएम करवाया जाएगा, इसके बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा। देवास एडीएम सोनी परिजनों से मिले और उनको आश्वासन भी दिया कि आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। और देवास के कुछ पार्टी के नेता भी वहां पर नेतागिरी करने पहुंचे। राजोदा गांव का बालक है अमन, जो शाम के टाइम पर यहां पर अस्पताल में इलाज के लिए लेके आए थे और उसके परिवार का कहना है कि उसको पैर में दर्द था जिसका इलाज कराने के लिए लाए थे। कोई देर में यहाँ पर इलाज में कुछ ट्रीटमेंट के बाद उसकी डेथ होने की बात आई है। इसको लेके ऐसे लोग सब खड़े थे कि ये सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ है या उसका प्रॉपर इलाज नहीं हुआ है, इसकी वजह से बच्चे की मृत्यु हुई। उसी बात को लेकर अलग सभी इकट्ठे हुए थे। इनको समझाइश दी गई है कि डॉक्टर पैनल के द्वारा इसका पीएम कराया जाएगा, वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी और इसके मुताबिक जाँच उसमें कार्रवाई की जाएगी। उनके जो भी इश्यूज़ हैं उस पर पूरी तरह से एसडीएम साहब ने आके सुना है और उस पर जो भी होगा उसकी जाँच कराई जाएगी। बीसीएन न्यूज के लिए देवास से अरुण उइके की रिपोर्ट। दतिया जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उन्नाव बालाजी में निरंतर मीडिया द्वारा दिखाई जा रही अव्यवस्थाओं के चलते नवागत मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरवी कुरेले ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में पाई गई अव्यवस्थाओं के चलते कर्मचारियों की जमकर फटकार लगाई गई। स्टोर मैनेजर रामहित जाटव द्वारा दवा व्यवस्थाओं को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्टॉक रजिस्टर मांगा तो सकारात्मक जवाब नहीं दे पाए, इसलिए तुरंत ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं एक लाइन में स्वास्थ्य कर्मियों को बुलाकर अव्यवस्थाओं के बारे में समझाइश देकर कि स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छे रूप से करें, ऐसे निर्देश भी दिए। इस दौरान अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों के कारण बताओ नोटिस एवं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की अनुपस्थिति पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान डॉक्टर राजपूत, रामसेवक रायकवार, ब्रजभूषण दुबे के साथ साथ अन्य चिकित्सा कर्मी उपस्थित रहे। आखिर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने क्या कुछ कहा अस्पताल की व्यवस्था को लेकर, जानते हैं दतिया उन्नाव बालाजी से लोकेश मिश्रा की ये रिपोर्ट। कंप्यूटर में इसमें मैच नहीं हो रहा है, तो जब तक वो कंप्यूटर चार्ज कब से आपके पास? जुलाई से है। तो जुलाई की बात है, पहले जिससे बरेली है उनने कोई इसमें जुलाई से अभी तक आपने क्या काम किया? तो छह महीने तुमने ऐसे निकाल दिए। मैं नया रजिस्टर पूरे ओके करके रख रहा हूँ। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, आपने नया रजिस्टर बनाया है क्या? बताइए आप नया रजिस्टर स्टार्ट ही करता था इसको, बीसीएन न्यूज के लिए दतिया से लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमितों को देखते हुए पना जिले में सालिया थाना प्रभारी अभिषेक पांडे द्वारा लोगों को मास्क लगाने की समझाइश दी गई। साथ ही बिना मास्क के घूम रहे लोगों से बिना मास्क घूमने पर चालान काटे गए। मुख्य मार्ग बाजार पर जगह जगह लोगों एवं सभी व्यापारियों को मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु समझाइश दी गई। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।